हाय गाइज, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं iOS 18 के अपडेट में कुछ ऐसी बेस्ट चार्जिंग प्रैक्टिसेस के बारे में जो कि एक्चुअल में आपकी जो बैटरी हेल्थ है उसको सेव करेंगी। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो सबसे पहले गाइज, आईफोन की जो चार्जिंग प्रैक्टिस है उसके ऊपर आपकी जो बैटरी हेल्थ है वो काफ़ी डिपेंड करती है। इसीलिए अगर आप अपने चार्जिंग प्रैक्टिस को कुछ इस तरीके से चेंज कर लेते हो जो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, तो इसके साथ आपकी जो बैटरी हेल्थ है 110% स्टेबल रह जाएगी काफ़ी देर तक। सो जैसे कि आप सभी को पता है, ये मेरा आईफोन 13 है और मुझे इसे यूज़ करते हुए 2 साल बीत चुके हैं। 2 सालों में बहुत से आईफोन्स की बैटरी हेल्थ जो है वो सर्विस के ऊपर आ जाती है, बट मेरे केस में 91% अब भी यहाँ पर मेंटेन हो रखी है। तो ये चार्जिंग प्रैक्टिसेस मैं डे टू डे रूटीन में अपने डिवाइस पे यूज़ करता हूँ। सो सबसे पहले नंबर वन बात आती है चार्जर्स की। अगर आप फेक चार्जर्स को यूज़ करते हो अपने डिवाइस को चार्ज करने के लिए, तो आपकी जो बैटरी है वो काफ़ी जल्दी डैमेज हो जाती है। एज़ कम्पेरेटिवली अगर आप यहाँ पर अपने ओरिजिनल एप्पल के 20 वॉट के फास्ट चार्जर को यूज़ करोगे, तब आपकी जो बैटरी है वो काफ़ी लंबे समय तक बढ़िया काम करती रहेगी। सो कभी भी अगर आपने नया आईफोन बाय कर ही लिया है तो थोड़े से पैसे और खर्च कर लो ताकि आपको बढ़िया फास्ट चार्जर भी मिल जाए, और एप्पल का ओरिजिनल चार्जर ही आपको हमेशा बाय करना है। कोई भी और कंपनी का चार्जर प्रेफर नहीं करना है अपने डिवाइस को चार्ज करने के लिए। सेकेंडली बात आती है चार्जिंग केबल्स की। तो मार्केट में आपको MFI सर्टिफाइड चार्जिंग केबल्स भी देखने को मिल जाती हैं, सो वो भी आप बाय कर सकते हो, बट यहाँ पर जो एप्पल की ब्रेडेड केबल्स होती हैं वो काफ़ी बढ़िया रहती हैं। जैसे कि आईफोन 15 एंड 16 सीरीज़ के लिए यहाँ पर ब्रेडेड केबल्स देखने को मिलती हैं, तो वो केबल्स भी आप प्रेफर कर सकते हो अपने डिवाइस को चार्ज करने के लिए। तो यहाँ पर आपको हमेशा ओरिजिनल केबल्स को ही यूज़ करना है अपने डिवाइस को चार्ज करने के लिए। अगर आप फेक केबल्स को यूज़ करोगे चार्जिंग के टाइम पे, तो वो काफ़ी ज़्यादा हीट होती हैं। हीटिंग के कारण आपकी बैटरी हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। इसके साथ आपकी बैटरी हेल्थ काफ़ी जल्दी ड्रॉप होने लगती है। सेकेंड नंबर के ऊपर आपको पता होगा कि आईफोन 15 एंड 16 सीरीज़ में आपको एक ऑप्शन दिया गया है अपने आईफोन को चार्ज करने के लिए 80% लिमिट का। सो गाइस, कभी भी अपने डिवाइस को 80% से ऊपर चार्ज मत करो, और साथ में 20% जब आपका डिवाइस पहुंच जाता है उसका बैटरी लेवल, तुरंत आपको चार्जिंग पे सेट कर देना है, क्योंकि जो 20 और 80 के बीच का चार्जिंग पैटर्न है वो आपके बैटरी साइकिल काउंट्स को इंक्रीज़ नहीं होने देता है, और आपकी जो बैटरी हेल्थ है वो काफ़ी लंबे समय तक मेंटेन रहती है एक ही जगह के ऊपर। इसलिए आपको अपना ये जो चार्जिंग पैटर्न है यही पैटर्न फॉलो करना है, 20 से लेकर 80% तक का चार्जिंग पैटर्न। कभी कभार अपना जो डिवाइस है वो 80% से ऊपर भी चार्ज हो जाता है, उसके लिए मैंने एक शॉर्टकट क्रिएट कर रखा है, तो वो शॉर्टकट आपको भी क्रिएट करना है अपने डिवाइस पे। सिंपली आपको चले जाना है ऑटोमेशंस पे, यहाँ पर आपको प्लस के बटन पे टैप करना है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बैटरी लेवल का ऑप्शन। सो गाइस, यहाँ से आपको बैटरी लेवल पे चले जाना है। सो ये स्लाइडर आपको देखने को मिल रहा है, तो आपको यहाँ से इस स्लाइडर को 80% तक ला कर इक्वल्स के ऊपर सेट कर देना है। जैसे 80% इक्वल्स के ऊपर सेट करोगे, जब आपका डिवाइस 80% चार्ज होगा, तो आपके डिवाइस में ये आपको नेक्स्ट स्पीक टेक्स्ट के ऊपर टैप कर देना है। जैसे यहाँ पर स्पीक टेक्स्ट के ऊपर टैप करोगे, आपको यहाँ पर टाइप करना है 80% चार्ज्ड आईफोन। तो जैसे ही यहाँ पर 80% चार्ज्ड आईफोन आप टाइप करोगे, तो यही फ्रेज जो है वो आपके आईफोन की सीरी बोलकर बताएगी कि आपका डिवाइस जो है वो 80% चार्ज हो चुका है, तो आपको वहाँ पर अपने डिवाइस को प्लग आउट करना है। तो आप इसे सुन भी सकते हो कुछ इस तरीके से, 80% चार्ज्ड आईफोन। तो ऐसे आपका जो डिवाइस है वो यहाँ पर 80% चार्ज्ड आईफोन का जो फ्रेज़ है बोलेगा, और आपको पता रहेगा कि आपका जो डिवाइस है वो वाइल चार्जिंग 80% के ऊपर आ चुका है, और आपको इसे यहाँ से प्लग आउट करना है। उसके बाद आपको इसे डन के बटन पर टैप कर देना है, आपकी ऑटोमेशन प्ले हो चुकी है। सो इस तरीके से आप 80% लिमिट की जो ऑप्शन है अपने डिवाइस में क्रिएट कर सकते हो, और 80% से ऊपर कभी भी भूल कर भी चार्ज मत कर लेना, आपके जो चार्जिंग साइकिल काउंट्स हैं वो काफ़ी जल्दी इंक्रीज़ होते जाएंगे। उसके बाद अगर आप OLED डिस्प्ले वाला डिवाइस यूज़ कर रहे हो, तो उसमें आपको हमेशा डार्क मोड को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो डार्क मोड है आपके डिवाइस में काफ़ी बढ़िया बैटरी बैकअप आपको प्रोवाइड करता है।
उसी के बाद ही आपको यहाँ पर बैटरी हेल्थ के सेक्शन पे चले जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग को ज़रूर ऑन कर देना है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है आपकी बैटरी को काफ़ी बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज तरीके से चार्ज करती है। सो ये जो चार्जिंग प्रैक्टिसेस हैं आपको डे टू डे रूटीन में यूज़ करनी है। और जो आखिरी टिप ये है कि आपको कभी भी अपने डिवाइस को चार्ज करने के टाइम पे कोई भी मोटा सिलिकॉन का केस यूज़ नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि चार्जिंग के टाइम पे आपका डिवाइस काफ़ी हीट कर रहा है तो उसे तुरंत आपको प्लग आउट कर देना है। जैसे आपका डिवाइस ठंडा होगा फिर आपको उसे चार्जिंग पे सेट करना है। सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं डे टू डे रूटीन में, अगर आप अपनी बैटरी हेल्थ को वाइल्ड चार्जिंग मेंटेन करना चाहते हो तो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।